मंडी शहर में पेश आ रही पार्किंग की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही जल्द मंडी की जनता को पार्किंग की समस्या से निजात मिलने वाली है। ये बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कही। अनिल शर्मा शनिवार की शाम इंदिरा मार्केट में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए और इस दौरान उन्होंने मार्केट में लगाए गए पेयजल कूलरों का भी उद्घाटन किया। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए जो प्रयास मेरे माध्यम से और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष के माध्यम से हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि इंदिरा मार्केट पे जो आगे हमारे पानी का क्या कभी पानी खड़ा किया करता था, मैं आदेश देता हूँ कि इसके ऊपर एक मंच बनाया जाएगा। वो मंच हमेशा जो आज ये टेम्प्रेरी मंच है, वो एक अच्छा मंच यहाँ तैयार किया जाए और जिससे कि हमारे जो गार्डन हमारा जो हमारा है यहाँ पर, इसको पहले मैंने बहुत सुंदर बनाया था परंतु ये मेंटेन नहीं हो पाया, परंतु इसका भी रखरखाव किया जाएगा। और साथ में बधाई देना चाहूँगा जो LED हमारे आज जिसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ, शहर के बारे में और सभी व्यापारियों को यहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, उसको एडवर्टाइज करने का मौका मिलेगा और साथ में हिमाचल सरकार के कार्यक्रमों को भी इसमें दिखाया जाएगा। और मैं उन दानियों का भी आभारी हूँ जिनके माध्यम से ये दो कूलर जिसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ, ठंडा पानी यहाँ पर उपलब्ध होगा। मैं ज़्यादा कहते हुए कि आप यहाँ पर आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का, मैं इन्हीं विश्वास के साथ कि मंडी को आज मैं देख रहा था पुराना मंडी कैसा हुआ करता था और मुझे याद है जब शंकर गार्डन बनाया, जब इसका हमने मार्केट का निर्माण किया तो यहाँ पर केवल पानी खड़ा हुआ करता था। ये विचार पंडित के रूप में आया कि इसको मार्केट का स्वरूप किया जाए और आज ये बहुत अच्छी मार्केट जो है हमारे यहाँ बनी है। और इसके साथ साथ शहर में और भी हमारे शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, पार्किंग की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास है जो आपके माध्यम से हम मिलजुल कर करेंगे।